बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोन मीडिया में। महुराज आप देख रहे हैं स्टोन मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं स्नातक लेवल पर अलग अलग वैकेंसीज आ रही है। आप लोग जो है कि वह रिजल्ट के लिए छटपट आ रहे हैं कि पार्ट 3 का रिजल्ट कितना जल्दी आ जाए। बिहार विश्वविद्यालय जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी की थी, राजभवन को भेजी थी, उसमें 30 अक्टूबर आपके पार्ट 3 रिजल्ट जारी करने की तिथि है, यानी अगले महीने 30 तारीख को। हालांकि अभी कॉपी चेकिंग प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय में स्नातक का सेशन लेट था, वो समय पर तो आया, लेकिन पीजी का भी सेशन अभी एक साल लेट चल रहा है। इसी को लेकर के आज के अखबार में पीजी एडमिशन से संबंधित और पार्ट 3 रिजल्ट 21 से 24 कब तक के जारी किया जाएगा उसके बारे में जानकारी शेयर किया गया था। आप इसमें देख सकते हैं कि बिहार विश्वविद्यालय ने पीजी के सत्र को नियमित करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। एक ही वर्ष में 2 सत्रों में पीजी में दाखिला लिया जाएगा, एक साल में 2 सेशन। अब एक सेशन का एडमिशन हो चुका है, जो कि एक सेशन 23 से 25 था, उसका एडमिशन जनवरी फरवरी 2024 तक चला, तो यानी इसी साल 24 में ही 23 से 25 वाले का एडमिशन हुआ। और एक और सेशन में एडमिशन होगा, जो कि आप लोग 21 से 24 पार्ट 3 के छात्र छात्राएं आप पास कर जाएंगे ग्रेजुएशन, तब आप लोगों के लिए पीजी में एडमिशन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। पीजी में एडमिशन के लिए पोर्टल खोलने की तैयारी कहा जा रहा है कि अगले महीने है, देख पा रहे, अगले महीने यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक पीजी में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। विश्वविद्यालय ने तृतीय वर्ष की परीक्षा ले ली है, इसका परिणाम अगले महीने आने की उम्मीद है। इसके बाद पीजी के लिए पोर्टल खोलने को लेकर के कवायद शुरू हो गई है। इसी वर्ष पीजी ये वाला सेशन में एडमिशन हुआ था और पीजी का सेशन एक साल लेट चल रहा है। ऐसे में यदि इस वर्ष 2024 वाला दाखिला हो जाता है तो सत्र पटरी पर आ जाएगा। देखिए, एक पीजी एडमिशन जो अभी होगा 24 से 26 और एक अगले साल होगा 25 से 27, उसके बाद से 2 साल वाला पीजी बंद हो जाएगा, क्योंकि 3 साल वाला ग्रेजुएशन भी बंद हो गया हुआ। अब भले ही बिहार विश्वविद्यालय कहे कि अक्टूबर में हम रिजल्ट जारी कर देंगे, पीजी में एडमिशन शुरू हो जाएगा, लेकिन सच बात तो यह है कि अक्टूबर का महीना छुट्टियों का महीना होने वाला है। अक्टूबर महीने के शुरुआत से ही दशहरे का त्योहार जो है कि शुरू में ही 3 अक्टूबर से जो है कि दुर्गा पूजा प्रारंभ हो रहा है, दशहरे के बाद दीपावली, फिर छठ, एक लंबी जो है कि आप जो है कि छुट्टी हो जाती है तमाम विश्वविद्यालयों में। तो अक्टूबर एक जो है कहे कि हम 50% जो है कि वह छुट्टी में ही चलेगा। इस बीच में बिहार विश्वविद्यालय जो ये अखबार कह रही है इसको पूरा कर पाएगी एकदम से नामुमकिन सा है। और अभी जो एनटीपीसी वाला जो वैकेंसी आई है जिसका फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है ग्रेजुएशन लेवल का, 21 से 24 वाले आप नहीं भर सकते हैं, आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। और अभी जो मैंने वीडियो बनाई है विद्यालय सहायक भर्ती वाला, उसमें ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, तो उसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन, उस फॉर्म को भरने के लिए आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। तो सच तो यह है कि बिहार विश्वविद्यालय जितना जल्दी 21 से 24 के पार्ट 3 का रिजल्ट जारी कर दे उतना ही बेहतर होगा इन सेशन के छात्र छात्राओं के लिए। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जो अक्टूबर में जो कहा जा रहा है रिजल्ट जारी हम कर देंगे, पीजी में एडमिशन के लिए पोर्टल भी खोलने की उम्मीद है, तो अक्टूबर में बहुत सारी छुट्टी होगी दुर्गा पूजा की और भी फेस्टिवल्स जिनके हमने नाम गिनाए हैं, उसमें आधा अक्टूबर ऐसी छुट्टी में चला जाएगा। और दूसरी तरफ यह भी है कि अभी तक के आपके कॉपी चेकिंग की प्रोसेस भी शुरू नहीं हुई है। आज भी यूनिवर्सिटी बंद था 23 और 24 सितंबर, 25 सितंबर से विश्वविद्यालय खुलती है। देखिए कब से आपका कॉपी चेकिंग वगैरह शुरू होता है फिर हम आपको बताएंगे, आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिए। फिलहाल रिजल्ट पर कन्फर्म डेट बता पाना अभी ये बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।